बहुत सारे लीडर्स एंटरप्रेन्योर्स दे हैव वन स्ट्राइकिंग कॉमनैलिटी, एक कॉमन फैक्टर होता है इन लोगों के अंदर, और वो कॉमन फैक्टर है दैट दे आर सराउंडेड विद सम ऑसम पीपल। उनके आसपास जबरदस्त लोग होते हैं और जिनके साथ वो काम करते हैं वो काफी हद तक एक अच्छे लेवल के लोग होते हैं। दे हैव दिस एबिलिटी टू स्क्रीन, टू हायर, टू सिलेक्ट सम वेरी गुड गाइज। तो मैं पिछले इतने सालों में काफी एंटरप्रेन्योर्स से मिला हूं एंड मैंने देखा है कि जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तीन स्किल सेट्स पे बड़ा फोकस करते हैं जब वो हायर करते हैं, स्क्रीन करते हैं, जब किसी को वो ऑनबोर्ड लेना चाहते हैं किसी कैंडिडेट को। वो तीन स्किल सेट्स क्या है मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप किसी को ढूंढ रहे हैं जिसको आप ऑनबोर्ड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखिए और समझिए वो तीन स्किल सेट्स उस कैंडिडेट के अंदर है कि नहीं है, बिकॉज वो बड़े वाइटल है किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। और अगर आप टीम मेंबर हैं और आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप ये तीन स्किल सेट्स अपने अंदर लेके आइए, बिकॉज इफ यू हैव दीज थ्री क्वालिटीज इन यू आई एम श्योर कोई अच्छा लीडर, कोई अच्छा कामयाब एंटरप्रेन्योर इन्हीं तीन स्किल सेट्स को ढूंढ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हल्का सा एक ध्यान देते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स होते क्या है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर इन रिलेशन टू अ पर्सन्स एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका लोगों के संदर्भ में उसका बिहेवियर कैसा होता है। सो दे इट्स मोर ऑफ द सॉफ्ट स्किल साइड। द हार्ड स्किल इज वेयर द पर्सन हैज द टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल साइड में उसका चाहे वो आईटी स्किल्स हो, कंप्यूटिंग स्किल्स हो, अकाउंटिंग स्किल्स हो, या फिर राइटिंग हो, लैंग्वेज स्किल्स हो, तो ये हार्ड स्किल्स हम बोलते हैं इनको। सॉफ्ट स्किल्स जो है दे आर डिफिकल्ट टू एक्वायर, दे आर डिफिकल्ट टू टीच एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू मेजर। जो हार्ड स्किल्स होते हैं दे ऑल्सो आर अ बिट डिफिकल्ट टू एक्वायर बट नॉट डिफिकल्ट टू टीच एंड नॉट डिफिकल्ट टू मेजर। ये दोनों में हल्का सा फर्क है। एक बड़ी अच्छी बात है जो आप समझ में आएगा आपको कि ऐसा एक सर्वे हुआ जिसमें मालूम पड़ा गया कि 70-80% ऑफ लीडर्स एंटरप्रेन्योर्स दे आर लुकिंग फॉर दीज थ्री स्किल सेट्स जो मैं आप सभी शेयर करूंगा। और उसमें यह भी पाया गया कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए उसमें से 80% ऑफ द कैंडिडेट्स डोंट हैव दीज स्किल सेट्स। तो 80% लोगों को चाहिए और 80% लोगों के पास नहीं है, ये सिचुएशन है आज। तो बड़ा जरूरी है कि हम समझें कि एज लीडर्स आर वी एबल टू स्कैन एंड स्क्रीन पीपल विद दीज थ्री स्किल सेट्स एंड एज पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज डू वी हैव दोस थ्री स्किल सेट्स। तो पहला स्किल सेट क्या है जो लीडर्स देखते हैं, डज द कैंडिडेट द एप्लीकेंट हैज द एबिलिटी टू लर्न, डज ही हैव द विलिंगनेस टू लर्न। ये सीखते रहना उसकी फॉर्मल एजुकेशन के बाद क्या उसने अपना सीखना, अपना अपने आप को आगे अच्छा बनाने का जो सिलसिला है वो चालू रखा कि नहीं रखा। इज ही ऑन अ लर्निंग जर्नी या फिर उसकी लर्निंग जर्नी कॉलेज के बाद खत्म हो गई। तो बड़ा आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं व्हाइल इंटरव्यूइंग, वेयर यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट वेदर द पर्सन हैज इन्वेस्टेड हिज टाइम एंड मनी ऑन बिकमिंग बेटर और नॉट, और वाज ही जस्ट रिलाइंग ऑन द कंपनी कि उसकी कंपनी ने उसको ट्रेन किया, या उसने खुद से अपने पैसे से, अपने सैलरी से उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर। एक्सेंचर एक कंपनी है जिसने पिछले 18 महीनों में कम से कम 2 लाख लोगों को हायर किया और उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो वो स्क्रीन करते हैं, बहुत अच्छी वैल्यू है इनकी कि जब वो इंटरव्यू लेते हैं एक्सेंचर में तो वो सबसे पहले देखते हैं कि डज द कैंडिडेट हैव द विलिंगनेस टू लर्न और नॉट, क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेटअप अ सिस्टम, अ मैकेनिज्म जहां पर उनको एआई बताता है कि कौन से टीम मेंबर्स हैं जिनको अभी रीस्किल करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द मार्केट रिक्वायरमेंट, जो मार्केट की नीड है उसके हिसाब से अभी जो टीम है उसमें से किस सेक्शन को, कितने लोगों को अभी रीस्किल करना पड़ेगा। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। तो इमेजिन करिए कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है ऑन ट्रेनिंग, ऑन आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स एंड ट्रेनिंग द पीपल, लेकिन अगर लोग ही तैयार नहीं है सीखने को, उनका लर्निंग एबिलिटी ही बंद है या कम है, तो कितना चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। और इस वजह से एक्सेंचर डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्किंग टीम बिकॉज दे हैव पीपल हु आर ऑलरेडी अपस्किल्ड, बिकॉज दे हैव अ सिस्टम बाय विच दे कम टू नो कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, एंड अकॉर्डिंगली उनकी जो टीम है वो अपस्किल होती रहती है। तो पहली क्वालिटी आप चेक करिए, स्क्रीन करिए whether the person is willing to learn or not. Second quality,
is the person self organized, self managed or not? ये इतनी अच्छी क्वालिटी है अगर किसी के अंदर रही कि वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, वो अपने आप को फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज कर पा रहा है. इट डज नॉट मैटर हाउ मच मनी द पर्सन हैज, बट वॉट एवर हिज सैलरी वॉज, वॉट एवर हिज टेक होम वॉज, क्या उस सैलरी में क्या उसने अपने आप को अच्छी तरह रखा हुआ है? वो क्या अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा है? क्या वो डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज है? क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल पर रख पा रहा है? क्या उसका जीने का तरीका बता रहा है दैट हिज लाइफ इज इन हिज कंट्रोल? तो जब आप क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू के दौरान, तो योर क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टेड इनटू वेरी सटली आस्किंग हिम इन अ वे वेर ही शेयर्स अबाउट हिज लाइफ एंड यू विल कम टू नो. फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क अ क्वेश्चन, ओके टेल मी अबाउट अ टिपिकल डे ऑफ योर लाइफ, एंड मैं उससे सुबह से लेकर रात तक का उसका स्केड्यूल पूछता हूँ. इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, मैं उसको ऐसा एहसास भी होने नहीं देता हूँ कि आई एम गोइंग डीपर इन टू हिज लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ ही इज मैनेजिंग हिज लाइफ. लेकिन उसके आंसर से मुझे समझ में आता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. क्योंकि अगर एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड या सेल्फ मैनेज्ड इंसान अपने पास है ना, तो हमारा काफी समय बचता है. वी सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग हिम, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग हिज इश्यूज, क्योंकि वो अपने आप को हैंडल कर रहा है और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर पाता है, काम पे ज्यादा फोकस कर पाता है. तो सेकंड स्किल सेट व्हिच अ लीडर लुक्स फॉर एंड शुड लुक फॉर इज वेदर द पर्सन इज सेल्फ मैनेज्ड, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और नॉट. तीसरा जो एक लीडर देखता है स्किल सेट, वो है कि क्या कैंडिडेट के अंदर टीम वर्किंग स्किल्स हैं कि नहीं. बिकॉज काम तो टीम के साथ करना है, काम तो टीम के साथ मिलके करना है. सो वेदर द पर्सन इज एबल टू मूव अराउंड विद पीपल, क्या वो उनके साथ घुल मिल के काम कर सकता है क्या, या वो सोलो प्लेयर है. एक्सपर्टीज कितनी भी होने दो, एक्सपीरियंस कितना भी होने दो, लेकिन क्या वो टीम के साथ एक कॉन्ट्रीब्यूटरी टीम मेंबर के माफिक काम कर सकता है क्या? और इज ही अ पर्सन हु इज ईगोइस्टिक, इज ही अ पर्सन जिसको संभालना पड़ता है, इज ही अ पर्सन जिसके जो एजी है, एजी मतलब कि वो टीम में होता है तो दो तीन लोगों को खरोच लग जाती है या उसको लग जाती है या उसका मूड ऑफ हो जाता है या फिर वो लोगों का मूड ऑफ कर देता है. तो टीम में ऐसे लोग चाहिए जो खुद मैनेज्ड हो, खुद ऑर्गेनाइज्ड हो और जो लोगों के साथ मिलके अच्छा काम कर पाए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है. तो आपके क्वेश्चंस भी होने चाहिए ऑन द टीम साइड फ्रंट, दैट वाज ही अ पार्ट ऑफ अ टीम बिफोर, व्हाट चैलेंजेस डिड ही कम अक्रॉस एज अ टीम मेंबर, व्हाट चैलेंजेस पीपल पुट अक्रॉस टू हिम, हाउ डिड ही हैंडल दोस चैलेंजेस. तो ये सटल क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा कि वेदर ही हैज बीन अ टीम प्लेयर और नॉट, इन द पास्ट हैज ही हैड एनी सक्सेस, एंड हुम डज ही कंट्रीब्यूट दैट सक्सेस टू ऑफ व्हिच ही वाज अ पार्ट ऑफ, क्या वो सारी सक्सेस की श्रेय खुद ले रहा है या फिर टीम को बांट रहा है. तो आपको हल्का सा एक फ्लेवर आएगा. मुझे विश्वास है कि अगर आपने इन तीन स्किल सेट्स पे ध्यान दिया व्हाइल इंटरव्यूइंग, व्हाइल स्क्रीनिंग अ कैंडिडेट, तो काफी हद तक एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा टीम मेंबर आपके साथ जुड़ सकता है. एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको, ऑल ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ग्रेट लीडर्स, दे हैव दिस वन स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी दैट दे आर सराउंडेड विद सम ग्रेट गाइस. तो ये ग्रेट गाइस कहाँ मिलते हैं? ये हैं हमारे आसपास. हाँ, इनकी पॉपुलेशन कम है, इनकी संख्या कम है, बट हैं हमारे आसपास. हमें सिर्फ स्क्रीन करने को आना चाहिए. वी शुड बी एबल टू स्क्रीन देम, वी शुड बी एबल टू जज देम प्रॉपरली, वी शुड बी एबल टू सी थ्रू ऑल दोज लेयर्स whether those people have those qualities or not. और अगर आपने वो qualities के लोग ले लिए, trust me, you definitely have your success waiting for you. All the best.